आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान कल, 59 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। प्रदेश की 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी, मतदान के लिए 81,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने की अधिक से अधिक मतदान की अपील और देश के साथ प्रदेश में भी परंपरागत गरिमा के साथ मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13-13, पश्चिम बंगाल में 9, बिहार और मध्य प्रदेश में 8-8, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड में 3 और चंडीगढ़ में एकमात्र सीट के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव पर्यवेक्षक और निगरानी टीमें सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। सातवें चरण में होने जा रहे मतदान के लिए 11,02,986 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 4,74,56,828 महिला मतदाता हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,27,14,890 है। राज्य के मालवा निमाड़ क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, देवास, खरगोन और खंडवा में कल मतदान होगा। इन संसदीय क्षेत्रों में 82 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला 1,49,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे। इस चरण में 4,30,000 युवा वोटर भी पहली बार वोट डाल सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया है कि सभी 8 संसदीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 18,411 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में श्री कांताराव ने बताया कि सातवें चरण में होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 83 कंपनियां, राज्य सशस्त्र बल की 49 कंपनियां और राज्य पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सहित 56,092 सुरक्षाकर्मी को लगाया गया है। इस चरण में आने वाले जिलों के 104 अंतर्राज्यीय और 162 अंतरजिला नाके सील किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सातवें चरण में 18,411 मतदान केंद्रों पर 81,032 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि इस चरण में 33,10,19,000 से अधिक कीमत की अवैध शराब, सोना चांदी, नकदी, मादक पदार्थ और हथियार आदि बरामद किए गए हैं। कल होने जा रहे मतदान में खंडवा सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। यहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज सिंघवी का मुकाबला भाजपा के शंकर ललवानी के बीच है। रतलाम, खरगोन सीटों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। हमारे धार संवाददाता ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा मुख्यालयों पर मतदान दलों को मतदान सामग्री प्रदान कर सभी को रवाना किया गया है। मतदान दलों और सेक्टर अधिकारियों के वाहन जीपीएस से युक्त होंगे। जिले में बाहरी व्यक्तियों को सीमा से बाहर किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह ने बताया है कि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। इसके पहले सुबह 6 बजे मॉकपोल किया जाएगा। देवास संवाददाता ने बताया है कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवास, सोनकच्छ और हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र और खंडवा संसदीय क्षेत्र की बागली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है। आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र के 2,13,000 से अधिक मतदाता 305 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। खंडवा लोकसभा में 2,370 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू होगा। यहां 8 विधानसभा क्षेत्रों में 19,900 से अधिक मतदाता हैं।
देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी पहली बार 40 घंटे के लिए चुनाव पर लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषीय कार्यक्रम विशेष जनादेश 2019 प्रस्तुत करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे। इसी तरह देश भर में आकाशवाणी की सभी 40 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां भी विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करेंगी। लोकतंत्र के महापर्व पर समाचार सेवा प्रभाग की खास पेशकश विशेष जनादेश 2019। कौन पहनेगा जीत का ताज, किसकी होगी हार? लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों का देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे ताजा हाल। देहरादून से राघवेश पांडे, दिल्ली से आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से संजीव शर्मा, सुधींद्रा आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु, शिलोंग से समीर वर्मा, रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश सन्हा, नागपुर से गौरी मराठे। साथ ही विशेषज्ञ करेंगे चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। देश के सातवें और प्रदेश के चौथे चरण के मतदान के पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से आकाशवाणी ने चुनावी तैयारियों के संबंध में बातचीत की। इस बातचीत को आज रात 8:30 बजे से भोपाल, इंदौर और खंडवा आकाशवाणी केंद्रों से सुना जा सकता है। वहीं श्री कांताराव ने कल होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान कल 19 मई 2019 को होना है और इसमें सभी 18,000 मतदान केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए कर दी गई है। छाए की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वॉलंटियर की व्यवस्था और 56,000 पुलिस कर्मी लगाकर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए हमारी तैयारियां सभी पूर्ण हैं। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि वो बड़ी मात्रा में अपने घर से निकलकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच मतदान करने आइए। संविधान से प्राप्त इस अधिकार का उपयोग करिए और शत प्रतिशत मतदान करें। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुद्दों पर आयोग के कामकाज को लेकर मीडिया की रिपोर्टों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने इन रिपोर्टों को अनावश्यक करार देते हुए कहा है कि ये ऐसे समय आए हैं जब देश भर में सभी मुख्य चुनाव अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान के आखिरी चरण और मतगणना की जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। वहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला लेने वाली बैठकों से निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। एक बयान में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इन बैठकों में लवासा के अलग होने के बारे में मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि निर्वाचन आयोग ने कुछ मामलों में लवासा की असहमत को रिकॉर्ड नहीं किया है, इसलिए उन्होंने इन बैठकों से अपने को अलग कर लिया। बुद्ध पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। बिहार में मुख्य समारोह बोधगया में महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया जहां भगवान बुद्ध ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं प्रदेश के सांची में भी इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा स्टेशन रोड से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई सांची स्तूप परिसर पहुंची जहां भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीधी जिले के कलेक्टर अभिषेक सिंह ने संपूर्ण सीधी क्षेत्र में 19 से 25 मई तक सभी प्रकार के खनन संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहडोल संभाग के आयुक्त शोभित जैन ने कहा है कि उमरिया जिले में नदियों और तालाबों को संरक्षित किया जाएगा। सागर से बंडा शाहगढ़ रोड पर आज सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई और दो बच्चे घायल हो गए। ये घटना सिमरा पुल के पास दो वाहनों के टकराने से हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान कल 59 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। प्रदेश की 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी। मतदान के लिए 81,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात।
आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने की अधिक से अधिक मतदान की अपील और देश के साथ प्रदेश में भी परंपरागत गरिमा के साथ मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।